तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक ज्यादा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि यदि आप यहाँ पे इलाहाबाद बैंक या इंडियन बैंक के कस्टमर हैं तो किस तरह से अपना पासबुक देख पाएंगे मोबाइल बैंकिंग ऐप की मदद से अपने फोन में आई पूरी बातें बताते हैं। आपको इसके लिए करना क्या होगा, आपको प्ले स्टोर में लिखना होगा INDOSS एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे नाम है लिख के सर्च करेंगे आ जाएगी ये एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड करेंगे। इसके बाद इसको एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। ओपन जैसे ही करेंगे आपके सामने फिर से ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आईडी वगैरह बनाना काफ़ी आसान होता है, आपको अपना मोबाइल नंबर देना होता है और अपना यहाँ पे सेफ नंबर देना होता है, OTP वगैरह आता है, वेरीफिकेशन होता है, आईडी आपका बन जाती है, पासवर्ड वगैरह बना लेते हैं आसानी से। उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड देंगे, ठीक है। तो सिंपल है, मैंने अपना पासवर्ड यहाँ से दे दिया और यहाँ पर हम लॉगिन हो जाएंगे। आप आईडी इस पर आसानी से बना सकते हैं, सेफ नंबर मोबाइल नंबर भर के। यदि नहीं बना पाते कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपका हेल्प जरूर करूँगा। देखिए मैंने यहाँ पे आईडी वगैरह बना लिया हूँ और यहाँ जैसे पासवर्ड डाल के ओपन किया ना, यहाँ हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ गया। हमको अपना पासबुक देखना है। पासबुक देखने के लिए सिंपल है, नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है एम पासबुक का, इसे एम पासबुक के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आप देख सकते हैं। हमको पासबुक देखना है, सिंपल यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर जाके अपना खाता नंबर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारा यहाँ पे देख सकते हैं पासबुक वगैरह सब कुछ डिटेल्स ना यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप अपना पासबुक वगैरह चेक कर सकते हैं अपने यहाँ पे मोबाइल फ़ोन की मदद से, INDOSS ऐप की मदद से। तो हमें उम्मीद है ना कि आपको मेरे द्वारा दी गई वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। यदि इससे रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए तभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक के बारे में जो भी जानकारी होती है आपको देने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, मुझे आपकी मदद करने में बहुत ही खुशी होगी। और उम्मीद है आप लोग यहाँ पे सब कुछ आसानी से चेक कर लिए होंगे, तो यहाँ पे जरूर बताएगा आपने चेक किया, तब भी नहीं किया तब भी, कोई और सहायता चाहिए तभी कमेंट बॉक्स में करिएगा। आपका जो भी राय सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।